Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. खास हमारा कार्यक्रम आज हम आ पहुंचे हैं बिहार के उस विधानसभा क्षेत्र में जो पूरे देश दुनिया में बाढ़ के लाई के कारण जाना जाता है। आज यहां से राजद की प्रत्याशी मधु सिंह, जो प्रभुनाथ सिंह की पुत्री हैं और भुवनेश्वर सिंह की पुत्र वधु हैं और परिवार का राजनीतिक विरासत है, कोविड जागरूकता अभियान के रूप में इन्होंने अपनी ताकत और दमखम दिखा दिया है। जनता इनके साथ है। आइए बात करते हैं कि कोविड जागरूकता अभियान के साथ चुनाव आगाज करना कैसा रहा। मधु जी, कैसा रहा? आज जो मैंने जागरूकता 19 कोविड के शुरू किया है, उसमें मैंने अपने पूरे बाढ़ विधानसभा को न्योता दिया था। पूरे बाढ़ विधानसभा से मुझे समर्थन भी मिला। गार्जियन लोग आए, चचा भैया सब लोग, उन्होंने मुझे कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इन्होंने आशीर्वाद दे के पूरे बहुमत से हमको जीतने का आशीर्वाद दिया है और मौका दिया है। इसलिए मैं बाढ़ की पूरे जनता को, ग्रामीण लोग को, खासकर बिहारी बीघा ग्रामीण को, जिन्होंने प्रेम से नेह से मुझे इस बिहारी बीघा में बुलाया और अपने बीच बुलाकर मुझे प्रेम से नेह दे के कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सारे तो आपके साथ। मधु जी आपके सर पर एक आंचल है। ये आंचल प्रभुनाथ सिंह के परिवार का है। आपका बचपन ऐसे राजनीतिक गलियारे में गुजरा है, मकरक में। आपने देखा है एक सांसद को, एक एमपी को, और आपके पिताजी के चलते कई सारे लोग विधायक बने, एमपी बने। अब बेटी हैं, आप आ रही राजनीति में, क्या लगता है कैसे कर पाएंगी? ये आंचल का जो बात आप कर रहे हैं, तो ये आंचल संस्कार देता है। एक नई बहू भी आती है ना, तो ससुराल में आंचल लेकर ही आती है। तो मैं अपने ससुर, बाद मेरा ससुराल हुआ, तो ससुरों के बीच में आती हूँ। इसका ससुर के बीच आकर आंचल लेती हूँ, तो मुझे संस्कार मिलता है। अपने पिता का संस्कार दिया हुआ है, माता का संस्कार दिया है। संस्कार ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप का भी नाम ऊँचा करे और ससुराल का भी ऊँचा करे। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं बेटी प्रभुनाथ सिंह को तो आवाज़ उठाऊँगी, शेर है तो शेरनी की तरह, और काम करूंगी पप्पू बाबा के तरह, जिन्होंने विकास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं बाढ़ में। तो मैं काम करके दिखाऊंगी विकास सम्राट की पौत्र वधु की तरह। तो ये मेरे बाढ़ की जनता से पूरे विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ, खून है मेरे पप्पू बाबू की भी और प्रभुनाथ सिंह की भी। उस ताकत को देखते हुए मैंने इस बाढ़ विधानसभा में खड़ा हुआ और सभी लोगों ने मुझे मौका दिया। इस मौका को मैं सबके साथ बिताना चाहती हूँ और बिता भी रही हूँ। एक के घर में जाकर सबसे मिलना जुलना, परनामा पाती करना, बेस और सबको मैं विश्वास देती हूँ कि जैसे मेरे बाबा ने आप लोग के बीच आके काम किया, वही मैं भी आप लोग के बीच आऊँगी। इस विश्वास के साथ मुझे सभी लोग चाह रहे हैं इस बेटी बहू को अपने। आप देख रहे हैं किस तरह से जनसैलाब है, कोविड है, इनकी पार्टी चुनाव का ही बहिष्कार कर रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोग जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, चुनाव में थोड़ा सा विलंब होना चाहिए, और कोविड जागरूकता के रूप में पूरी तरह से नियम कानून का पालन करते हुए मधु सिंह कह रही हैं कि जो सर पर आंचल है, पिता और नैहर और पीहर दोनों का ये मान सम्मान लेकर आई हैं, और बाढ़ के जो बुजुर्ग हैं, मतदाता हैं, और जो इनके चाहने वाले हैं, इनके सब लोग परिवार के सदस्य हैं और इनके हाथों में है। जनतंत्र में जनता मालिक है। अब देखना ये दिगर है कि टिकट तो फाइनल है, प्रभुनाथ सिंह की बेटी हैं, भुवनेश्वर सिंह के परिवार की हैं, दोनों तरफ से मजबूती है, लोग चाह रहे हैं। मधु सिंह क्या कमाल दिखा पाती हैं बाढ़ में, लोगों के विश्वास को कैसे जीत पाती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन राकेश जी के साथ अनूप नारायण सिंह, बाढ़। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।